बॉलीवुड एक्टर परिणीति चोपड़ा और एपी लीडर राघव चड्ढा की शादी को लेकर लोग अलग अलग तरह के सवाल खड़े कर रहे हैं। और ऐसा हो भी क्यों नहीं, क्योंकि ऐसा पहली बार हुआ है कि बॉलीवुड एक्टर्स और नेता शादी करने वाले हैं। कपल की शादी जल्द ही नेशनल शादी में शामिल होने वाली है। एक्ट्रेस की शादी का फैंस काफी सालों से इंतजार कर रहे थे। रूमर बॉयफ्रेंड के साथ भी फैंस ने परिणीति को कई बार जोड़ा, लेकिन कोई खास बात नहीं बन पाई। ऐसे में जब एक्ट्रेस परिणीति चोपड़ा को एपी नेता राघव चड्ढा के साथ स्पॉट किया जाने लगा तो फैंस को यकीन नहीं हुआ कि ऐसा हो भी सकता है। लेकिन हाल ही में हुई परिणीति चोपड़ा की एंगेजमेंट ने सबको यकीन दिला दिया है कि आखिर एक्ट्रेस को अपना जीवन साथी मिल ही गया है। होने वाले पति पत्नी राघव और परिणीति को पिछले दिनों जयपुर में देखा गया था। कपल अपनी शादी के लिए परफेक्ट रॉयल वेडिंग के वेन्यू ढूंढने में लगे हुए हैं। कहा जा रहा है कि कपल भीषणगढ़ फोर्ट में शादी करने वाले हैं, जिसको लीला पैलेस के नाम से भी जाना जाता है। ये 230 साल पुराना किला जयपुर में है। खबर ये भी सामने आ रही है कि कपल ने उदयपुर और जयपुर दोनों जगह तलाशें की थी। वेन्यू की तलाश में और ज्यादा जानकारी पाने के लिए एक्ट्रेस ने टूरिस्ट डिपार्टमेंट की हेड शिखा सक्सेना से बात भी की थी। इसी दौरान एक्ट्रेस ने लीला पैलेस का टूर भी किया था। फिलहाल कपल ने वेन्यू को लेकर कुछ रिवील नहीं किया है। और शादी की बात करें तो शादी अक्टूबर या दिसंबर के बीच में हो सकती है। और ज्यादा अपडेट के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल MCS News Official के साथ।